YouTube के प्राचीन कहानियां चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं हाजिर हूँ फिर से आपकी सेवा में एक तरह की नई वीडियो लेकर, और आज मैं आपके साथ में जो कंटेंट शेयर करूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल आप जानते ही होंगे हमारा हर कंटेंट इम्पोर्टेंट है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी डिफर करता है कि वही कंटेंट कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए खट्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साइकोलॉजीज जुड़ी होती हैं और हर एक इंडिविजुअल पर्सन के थॉट प्रोसेस अलग रहता है। एनीवे, चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, और हेल्प करेगा आज का कंटेंट आपको जानने के लिए सारी चीज़ों का। तो आज मैं आपके साथ में क्या शेयर करना चाहता हूँ, मैं वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आज मैं बात करूँगा रेस्ट यानी कि आराम का। आपने अपने जीवन में सिर्फ एक या दो तरह का आराम देखा होगा, क्या होता है वो, फिजिकली और एक मेंटल। इस तौर पे यानी कि फिजिकली का मतलब है हम जब नैप लेते हैं यानी कि सो जाते हैं इस तरह से, और एक अगर मैं मेंटल तौर पे बात करूं तो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो इसी तरह का आज मैंने पूरा चार्ट प्रिपेयर करा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया है कि आपको कितने तरह के रेस्ट लेने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी 7 से 8 तरह के रेस्ट है। यह हमारी जो बॉडी बनी हुई है, इस बॉडी को इतने प्रकार का आराम चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में 100% बैलेंस रखना चाहते हो, अपने चक्रा को, अपने ओरा को अगर निखारना चाहते हो, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा पूरा आपको अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है। यह आपको पता नहीं किसने बताया होगा, नहीं बताया होगा, कहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने पास में, अपने साथ में, और बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप भी आँख मीच के विश्वास कर लो, इसमें मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि इसमें हर साइकोलॉजी को ये सेट बैठेगा, और इसको इम्प्लीमेंट करो, और जैसे जैसे इसमें मैं बताऊँगा प्लीज़ गो ऑन जाओ और आगे करते जाओ। तो मैंने पूरा चार्ट निकाला है और उसमें हर तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और सेंसरी। तो इस तरह के कई सारे जो हमारे पास में वो रहता है जिसके माध्यम से हमें रेस्ट करना चाहिए। ये स्टेजेस है। जैसे सबसे पहले हर कोई अपने डेली रूटीन में इस पे आता है कि जब आप थक जाते हो कम्प्लीटली, या दिन खत्म हो जाता है, जब आपको लगता है आप सोने का समय आ गया, तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, मतलब फिजिकल तौर पर आप रेस्ट मोड में आ गए। इसके बाद में आप दिन में काम कर रहे हो, अभी सोने का भी टाइम नहीं है, लेकिन आपका माइंड खराब हो चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा, लग रहा है कि खराब हो रखा है। तो जो लोग यूज टू हैं वो मेडिटेशन कर लेते हैं, किसी भी समय कर लेते हैं, उनको पता है कि अपने आप को कैसे रिफ्रेश करना है। अदरवाइज कुछ लोग बोर हो रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो मेंटल पीस के लिए वो क्या करते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं अपने फेवरेट। और म्यूजिक कई तरह का होता है, सबको अपने अपनी पसंद है तो कर लेते हैं। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट मैं ये कह सकता हूँ जो हमसे जुड़े हैं 95% लोगों को इसका नहीं पता होगा कि जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो कैसे कैसे हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि इमोशनल पीस के लिए, रेस्ट के लिए आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन हम नो डाउट इसको अपने जो जीवन है उसको करते हैं जरूर, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट को नहीं करते, वो अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब जब हमें सोशली रेस्ट की ज़रूरत होती है तो हमें क्या करना चाहिए, जो कि हम करते हैं ऑलरेडी, हमें अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ में बात करनी चाहिए जो पर्सन आपको लगता है कि उससे अगर हम उसे सुनेंगे तो हमें पीस देगा, हमें स्ट्रेंथ देगा, हमें पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, ना कि उस पर्सन से जो कि जिसके साथ में आपके रिश्ते खटास में चल रहे हैं, जिसके या यू क्योंकि अभी उसका नाम लेते हैं आपको नेगेटिविटी आती है, तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। या कोई ऐसा फ्रेंड हो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो आँख नीच के, वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप बोलते ना कि किसी दोस्त से बात कर ले तो मूड सही हो जाता है, मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि सर हमसे वीक में 5 मिनट बात कर लो, 1 महीने में 20 मिनट बात कर लो, हमारा पूरा महीना पूरा वीक अच्छे से चला जाता है। ऐसे ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं और जो सच में बात करते हैं, और मैं भी मुझे खुशी होती है उनको टाइम देने की, क्योंकि वो सच में वर्थ है वो टाइम उनके लिए। अगर 10 मिनट 20 मिनट में निकाल के उनको टाइम दे देता हूँ तो अच्छी बात है ना। तो इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि जब भी आप इमोशनली आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप किसी एक दोस्त से बात कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही है। एनीवे हम इसको करते ही करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे कि सोशल। जब भी आप सोशली डिसबैलेंस होते हो,
आपके अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि कभी ना कभी अपने साथ में बैठ जाओ, या अपने साथ में भी आप नहीं बैठ पा रहे तो कुछ ऐसे पर्सन, जैसे दोस्त की बात करी, अब मैं तो यूज टू नहीं हूँ इन सारी चीज़ों से, लेकिन फिर भी एक ये सारी चीज़ें जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को खोल सकते हैं, अपने पत्ते बिखेर सकते हैं, जो डिफिकल्ट है बट कर सकते हैं। जैसा आपका कोई पर्सन होगा जिसमें आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ में प्लान करो बाहर जाने के लिए, ये करने के लिए। अब हम सोशली का क्या मतलब निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूज कर लो, फेसबुक यूज कर लो, जो हमें और ज़्यादा डिप्रेस कर देता है, क्योंकि हम पूरे 2 घंटे तक स्क्रॉल करेंगे वो मज़ा आएगा नहीं जो हमें चाहिए होता है, तो माइंड क्या होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, फिर आप सो जाते हो, दिन में ही आपका सोने का मन करता है। इसके बाद में आती क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब इसमें अगर मैं फीमेल सेगमेंट की बात करूँ तो उसमें आपने देखा होगा किसी किसी की जो आर्ट होती है, जो पेंट करते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं, वाओ इट्स ऑसम, सच में बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने स्वार्थ के लिए कि अगर आप में से कोई फीमेल है या कोई मेल भी है जो सच में अच्छी पेंटिंग कर सकता है, तो मैं आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, रेस्ट देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर मेरी पेंटिंग कोई फोटो से कैसे करके प्लीज़ एक बना के भेज दो, आपका भी फायदा हो जाएगा और मैं भी सोचूंगा कि हमारे एक व्यूवर्स हैं या बने उन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया, ऐसे गिफ्ट मैं उसको ले लूँगा। तो इस तरह की क्रिएटिविटी हम सभी को लानी चाहिए जो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में स्पिरिचुअल, अब स्पिरिचुअल को तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रात दिन इसके उसमें चलते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट बता देता हूँ, जब स्पिरिचुअल की बात आती है तो आपको जर्नी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा घूमना चाहिए, सोलो ट्रैवल स्पेशली मैं बात करूँ, नेचर को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, फॉरेस्ट में चले जाओ, बस घूम जाओ, उसमें खो जाओ। और इसी में एक अगला पॉइंट है जो सेंसरी है, उसमें जो हम व्यूज देखते हैं ना, शांत है, एकदम मौन है, आप फॉरेस्ट में चले गए, बैठे हो एकदम मस्त, कोई थॉट नहीं, सिर्फ आप ही देख रहे हो कि पेड़ पौधे कैसे काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, पेड़ अभी देखो पीछे पक्षी गुनगुना रहे हैं ना अपनी बातों में, आप देख रहे हो उस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो ये अलग ही मज़ा है इन सारी चीज़ों का। तो ये 7-8 तरह के जो रेस्ट हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, इन सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उठाना चाहिए, आप डे बाय डे ग्रो होते चले जाओगे हर तरह से, फाइनेंशियली भी बोल रहा हूँ, मेंटली भी बोल रहा हूँ, फिजिकली भी बोल रहा हूँ, हर तरह से आप ग्रो हो जाओगे। और जब आप ग्रो हो जाओगे तो आपका पूरा चक्र और सब कुछ लाइन पर और ट्रैक पर जाएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी, फिर आपको किसी के सामने ये नहीं बोलना है कि मेरी लाइफ बुरी है, मैं कैसे करूँ, चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही, ये सब खटिया और एक्सक्यूजेस हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो जरूर करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे, और अगर आप करोगे कैसे करोगे नीचे बोलो। क्या आपने, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने कोई सोलो ट्रैवल प्लान करी, नहीं करी तो कर लो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी इसमें एक सिप ले लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। जो वुमेन्स हैं उनके लिए वो हमेशा एक बात बोलती हैं, उनकी सच में वो कंसर्न है कि हम महिला हैं, हम बाहर नहीं निकल सकती, हमारे साथ में ऐसी दिक्कत है, ये सारी चीज़ें। मैं आपको एक हमेशा एक ब्रीडम बात बोलता हूँ, देखिए वेस्टर्न कल्चर कई मायनों में बहुत गलत है, लेकिन कई मायनों में बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। आई नो कि चीज़ें अब चेंज हो रही हैं हमारे इंडिया में भी, तो आपको भी चेंज होना उसके साथ में। आप एक लड़की को देखो जो इतनी दूर से है, विदेश आ जाती है, पूरे इंडिया भ्रमण करके जाती है, उसका और उसे पता है कि मैंने जो कमाना था या करना उसके बाद में करती रहूँगी, लेकिन अब मुझे टाइम आ गया कि अब मुझे घूमना है। स्पेशली हमारी जो वुमेन्स रहती हैं हमारे इंडिया में, वो अपना जो ये पूरा एक टाइम रहता है ना, सब उसको उसी में वेस्ट कर देती हैं कि कब कैसे क्या करना है, शादी करनी है, शादी में वो करना, वेस्ट करने देती, इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, कि घर के सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि जो रियलिटी में लाइफ है, जो हर एक सोल का पर्पज़ है, उसके पास भी हम नहीं जा पाते, उसको कंप्लीट करने के तो दूर पाते हैं, लेकिन
लेकिन वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप इन सारी चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे। अब जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ दो ही चीजें करते हैं, दो तरह के रेस्ट हम लेते हैं। आज मैंने लिस्ट आपके सामने दी है, एक तो आपका हो गया फिजिकली, एक हो गया मेंटली, कि म्यूजिक सुन लिया या आपका सो गए, नैप ले ली, या इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा तीसरा कहूँ तो अपने दोस्त से बात कर ली, और वो भी उसमें ऐसा दोस्त मिल गया तो आपका फिजिकली भी मेंटल भी सब कुछ खराब हो गया। तो आप इन सारी चीजों को करते हो, लेकिन हमें इनसे आगे नेचर को भी देखना है, हर चीज को बनी है उसको इम्पोर्टेंस देनी है ना। तो आपको कम से कम इसलिए विजिट करना चाहिए। सोलो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों के साथ में आप जाओगे तो मजे लोगे, सोलो आप जाओगे तो अपने लाइफ को और खुद को एक्सप्लोर करोगे। तो मैं तो अगर मैं बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन बोल रहा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अपने आप को जानो, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही। तो दोस्त के साथ में ये सारी चीज़ें करना इट्स ओके। और सबसे ज़रूरी मैं बताता हूँ, अगर वुमेन है आप तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, आप अपने घर पे जाओ उस सारी चीज़ों को करके कि मैं टेंपल विजिट करने जाऊँ, तो टेंपल भी विजिट करो, उसके साथ में ऐसा प्लान करो कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे देखने की है जो नेचर है, हिल है, माउंटेन है, वाटरफॉल है, फॉरेस्ट है, कुछ ऐसी जगह जाओ। और आप बहुत सशक्त हो, आप इम्पावर हो, आप ये कर सकती हो, तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी बहुत सारे थॉट्स विचार अगर आपको जानने हैं तो आपको क्या करना है, एक हमारी बुक है, एक नहीं अब तो दो हो गई हैं, दो बुक हैं, एक है प्योर स्पिरिचुअलिटी, एक है अवेकन सोल। एक में मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहा हूँ, एक मैं आपको अवेकन कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो ऐसे ना करके ऐसा करोगे तो कैसा हो जाएगा, अपनी इच्छाओं को कैसे बस में करना है, अपने ईगो को कैसे सरेंडर करना है, भगवान से कैसे बात करनी है, भगवान को आप अपने दुश्मन क्यों बना कर रखते हो, उनको दोस्त कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने उसमें एक्सप्लेन करी हैं। प्योर स्पिरिचुअलिटी में तो आप जानते ही हो, उसमें मैंने बच्चा कैसे जन्म लेता, आत्मा कब एंटर होती है, ए टू जेड उसमें समझा रखा है। तो अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हो हार्ड फॉर्मेट में तो ये अवेलेबल हैं, प्री ऑर्डर बिल्कुल स्टार्ट हैं, 7 दिन के बाद में ये आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे, जो भी आप जब ऑर्डर करोगे, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, 7 दिन तक हमारे पास में स्टॉक आ जाएगा, अभी ये प्रोसेस में है। अगर आपको लगता है कि आप किंडल पे पढ़ सकते हो, डिजिटली पढ़ना चाहते हो सारे हेडेक से दूर, तो आप किंडल का साथ ले सकते हो, वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं। सो इसी पॉइंट के साथ मैं थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एक ही उसमें बोल देता हूँ, मिलते आने वाली वीडियो में, धन्यवाद। हमने अपने पिछले 1-2 सालों में अपने बहुत से ऐसे पसंदीदा लोगों को खोया है जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे, और चाहे वजह कोई एक कोविड रही हो या दूसरी अन्य वजह रही हो, लेकिन अगर हम देखते हैं अपने पिछले 1-2 सालों के बारे में तो इस तरह से हमारा जीवन चला है जहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की हैं। अब जब हमने किसी अपने को ऐसा खोया है तो आपके मन में इस तरह के भी सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा हमारे साथ में ही क्यों हुआ, क्योंकि इस अर्थ पर 700 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सब खुश दिखते हैं, लेकिन हम ही गम में क्यों हैं। आपके अंदर तरह तरह के बहुत सारे सवाल उठते होंगे, इफ एंड बट किंतु परंतु आते होंगे। आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी टर्न ऑन हो रहे होंगे, अपने आप को मोड़ रहे होंगे और इन सवालों के पीछे भाग रहे होंगे कि हमारा पसंदीदा जो शख्स थे वो यहाँ से हमें छोड़ के क्यों चले गए। अगर आप भी इसी तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और अन्य बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो देखिए, आपके लिए मैं एक बुक लेकर आया हूँ। वैसे सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम सुभाष है, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और इसके साथ साथ में स्पिरिचुअल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अगर आपको भी यही तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं तो आपको क्या करना है, जो मेरे पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, पिछले काफ़ी समय से मैं अपनी एक बुक लिख रहा था जो अब जाकर कंप्लीट हुई है, उसको ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। बुक का नाम है प्योर स्पिरिचुअलिटी और इस बुक को आपको अमेजन किंडल से जाके पढ़ना है, वहाँ पर जाके आप सर्च करोगे ये बुक आपको मिल जाएगी। कुछ विशेषताएं पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक में आपको किस तरह से ज्ञान मिलेगा और ये आपके किस हिसाब से हेल्प करने वाली है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप भी उस तरह का कोई रीज़न ढूंढना चाह रहे हो कि जिस शख्स की मौत हुई है या यहाँ से हमें छोड़ के गए हैं, क्या वो नेचुरल था या नेचुरल नहीं था, इसके साथ साथ में ये चीज़ें कैसे प्रोसेस होती हैं, जन्म से लेकर डेथ तक कैसे होता है, जैसे कि बच्चा कौन से महीने में गर्भ में स्थान बनाता है या प्रवेश करता है, इसके साथ साथ में जब वो जन्म ले लेता है 2 साल तक उसके साथ में
कैसी चीज़ें गुजरती हैं, 2 साल के बाद में उसकी पृष्ठभूमि कैसे होती है। जब हम जन्म लेने से पहले अपने मम्मी के पेट में प्रवेश करने वाले होते हैं, उस समय हम अपनी पृष्ठभूमि को कैसे लिख के आते हैं कि हमारा जीवन काल कैसा होगा, इस तरह की सारी चीज़ें। और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मैंने लिखी हैं जो आपको थाउजेंड यानी कि हज़ारों से ज़्यादा सवालों के आपके आंसर दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेख भी उसमें लिखे हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपको अपने लाइफ का पर्पस समझ में आ सकता है, और जो भी आपकी असमंजस बनी हुई है स्पिरिचुअलिटी को लेकर वो क्लियर हो सकती है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी हम कोई धार्मिक किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे साथ में डिफ़िकल्टीज क्या आती है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। तो इस बुक को मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है जैसे कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में व्हाट्सअप से अपने लोगों के साथ में चैट करते हैं और एक ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं जो हमारे समझने में बहुत हेल्प होती है, जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। तो इसी तरह की भाषा के साथ में मैंने इस बुक को डिज़ाइन किया है और इसमें बहुत सारी पिक्स भी ऐसी लगाई है जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें आप बोर फील नहीं हो सकते और आपको ये बुक हमेशा बांध कर रखेगी कि आप इसको पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप इसके ले सको। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपके इसी तरह के स्पिरिचुअलिटी से लेकर के कोई भी सवाल हैं जो आपके मन में बहुत हद तक उठते ही रहते हैं हमेशा, तो यह बुक आपकी मदद करने वाली है। तो प्लीज़ जाके आप अमेज़न किंडल पर सर्च कीजिएगा। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मेरे बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हो तो इसी चैनल पर जाके आप 600 से ज़्यादा मेरी वीडियो हैं, अच्छी खासी ऑडियंस है जो मुझे पसंद करती है, मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूँ, आप भी हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हो। अगर आप भी जैसे मैंने पहले बताया आपको भी अपने जीवन का मतलब समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक सिर्फ आप ही के लिए है। आई होप कि आप इस बुक को पढ़ोगे, अपने जीवन के सफलतम जो स्तर है, जो एक आध्यात्मिकता में हम छूना चाहते हैं, उस स्तर को आप छूओगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।